दोस्तों कू ऐप, अगर मैं कू ऐप की बात करूं तो यार आज के समय में कू ऐप पर काम करने वाले हर व्यूवर्स का एक ही सवाल है कि सर यार कू ऐप ने कम पैसा देना क्यों स्टार्ट कर दिया। आखिर कू ऐप कम पैसा क्यों दे रहा है और यहाँ पर हम ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा और आपको मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप भी कू ऐप से ज़्यादा ही पैसा कमाएंगे। देखिए कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि मुझे यार कमेंट करते रहते हैं क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो कू ऐप को ही यूज़ कर रही है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि भैया आप लोगों को कितना पैसा मिलता है तो कुछ कहते हैं कि यार हमें 28 रुपये हफ्ते के अभी भी मिल रहे हैं, कुछ कहते हैं कि 17.5 रुपये हफ्ते के मिल रहे हैं, कुछ यहाँ तक कहते हैं कि 14 रुपये, 15 रुपये और 6 रुपये हफ्ते के भी मिल रहे हैं, और कुछ ने तो कहा कि 42 रुपये पर मंथ के मिल रहे हैं। आपको कितने मिल रहे हैं कमेंट करके बताना ताकि हम एक ओवरऑल एक वो ओपिनियन निकाल सके कि कू ऐप ज़्यादातर कितना पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि यार अलग अलग पैसा क्यों दे रहा है और कू ऐप ने पैसा कम क्यों कर दिया और यार फ्यूचर में कू ऐप का क्या प्लान है, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर बने रहना और हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो आपका यही है कि कू ऐप कम पैसा क्यों देने लग चुका है, तो इसका सीधा सा जवाब मैं दूँ तो आपको ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। देखिए आपने देखा होगा कू ऐप जब नया नया लॉन्च हुआ था कोई लोग उसे नहीं जानते थे, हम लोग कू ऐप को नाम जरूर सुना था लेकिन यूज़ नहीं करते थे, ज़्यादातर ने तो नाम भी नहीं सुना था। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत ये एक मार्केटिंग होती है अपने ऐप पर ऑडियंस लाने की। कई तरीके से मार्केटिंग होती है जिसमें एक तरीके से ये भी होता है कि आप पैसे देकर ऑडियंस ले आइए, जब उनको एक आदत पड़ जाती है तब जाके वो पैसा बंद कर दीजिए, फिर वो आदत उनकी मजबूरी बन जाएगी और फिर वो कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे आपकी ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म को। इसको यार अच्छी मार्केटिंग कहा जाता है लेकिन बड़ी ही कॉस्टली मार्केटिंग होती है जहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं कभी कभार। ऐसा ही यार कू ऐप ने किया, जब उसको ऑडियंस चाह रही थी तो उसने पैसे देकर ऑडियंस इकट्ठी करी। अब ऑडियंस को ऐप पर काफ़ी हद तक उसने यार मजबूर कर दिया है, या यूँ कहे कि हमारी एक इसमें आदत पड़ चुकी है तो अब हम पैसा नहीं भी मिलेगा तब भी कू ऐप चलाएंगे। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि जियो कंपनी, जब मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च की थी तब कितने उसके सब्सक्राइबर थे, कितने यूज़र थे, आई थिंक 0 थे, लेकिन उन्होंने इतने बड़े कॉम्पिटिशन मार्केट में, टेलीकॉम कॉम्पिटिशन मार्केट है उसमें उतर कर पूरी टेलीकॉम कंपनियों को ख़त्म कर दिया एक ही स्ट्रेटेजी से, और वो है फ्री का, मुफ्त चीज़ें देकर। जियो को एक साल तक अनलिमिटेड फ्री कर दिया, खूब यूज़ करो, खुद के मोबाइल लॉन्च कर दिए, खूब यूज़ करो। लोगों ने धड़ाधड़ जो दूसरी कंपनियों में लूट रहे थे उन्होंने वहाँ से स्विच किया और जियो पर आ गए। धीरे धीरे जो इनका सब्सक्रिप्शन बेस है वो बढ़ता गया और आज देखेंगे कितना बड़ा है। एक साल जब बीता तो खबरें आने लगी कि यार अब एक साल हो गया, अब जियो कंपनी बंद कर देगी अपना प्लान। उन्होंने फिर से अपग्रेड कर दिया, एक साल फिर से बढ़ा दिया, हालांकि कुछ कंडीशन रख दी, एकदम बंद नहीं किया, और यही कू ऐप कर रहा है। फिर तीसरे साल में सबसे पैसा लेना चालू कर दिया, फ्री का सब बंद हो गया। इसको बोलते हैं फ्रीमियम मॉडल, जहाँ पर फ्री में कंटेंट दो, ऑडियंस ले आओ और फिर उनको पेड कर दो। ये मॉडल ज़्यादातर कंपनियाँ चलाती है और यही कू ने चलाया। शुरुआत में आपको फ्री का कंटेंट यानी कि पैसे दिए, क्योंकि फ्री में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ से कुछ कमा तो सकते नहीं, कुछ मज़े तो ले नहीं सकते, तो इन्होंने पैसा दिया और फिर ऑडियंस लाए। अब ऑडियंस को धीरे धीरे आदत डलवा कर पैसे को कम करते गए। एकदम कोई सी भी चीज़ बंद नहीं होती, जियो ने भी एकदम बंद कर दिया था, एकदम यूज़र ख़त्म हो गए थे उनके, कटने लग चुके थे। ऐसा ही कू पर हुआ, जैसे ही इन्होंने, आपको याद होगा आज से 1.5 महीने पहले ही कू ऐप पर एक पैसा ही नहीं मिल रहा था, वो ऑप्शन ही हट चुका था अर्निंग वाला, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यार हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यूज़र की संख्या घट रही है,
फिर से इन्होंने कमबैक किया और कुछ पैसा देना स्टार्ट किया। हो सके इनके जो टीम है उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार एकदम बंद नहीं कर सकते, तो इन्होंने पैसा घटा दिया, 17,642 रुपये महीने के ऐसा कर दिया ताकि ऑडियंस को धीरे धीरे आदत डाले, एकदम नहीं। और आप देखोगे कुछ समय बाद, आज ही देखोगे तो कू की जो यूज़र संख्या है कई गुना बढ़ गई है। आज एडवर्टाइजमेंट आने लग चुके हैं, पहले जब स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया था यार वहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आते थे, आज भर के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वही आने वाले समय में कोई भी कू ऐप को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि यार कू ऐप एक एंटरटेनमेंट वाला साधन बन चुका है। और फिर अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो यार आप तो एक तरीके से वहाँ पर अपना एक कू करते हो, ट्वीट कह सकते हो, वो करते हो, और उसके लिए तो फिर यार वो तो कंपलसरी हो गया ना, तो ऐसी स्ट्रेटजी होती है। तो इस कारण से यार कू ऐप कम पैसा देने लग चुका है, क्योंकि अब उसको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस उसके पास पर्याप्त हो चुकी है, जितना उसने बजट रखा था उतना मन मुताबिक उसको ऑडियंस मिल चुकी है। पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि कू ऐप से हम ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं अब भी। तो यार इसका सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यार कुछ स्ट्रेटजी जो मैंने इम्प्लीमेंट करी है अभी तक, शायद वो आप ट्राई कर सकते हैं। 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इफ़ेक्टिव है। और वो है कि आपको, मैं कू ऐप को केवल वीडियो बनाने के तहत यूज़ करता हूँ, ठीक है, हालांकि पैसा भी मैंने कमाया है, तो कई बार मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। यूट्यूबर हूँ, एक टीचर भी है, खुद का स्कूल चलाता हूँ, इतना टाइम नहीं निकाल पाता, तो मैं कभी कभार कू को यूज़ कर रहा हूँ। अब जब पैसा कम कर दिया उसने, 17.50 रुपये मुझे भी मिल रहे हैं, तो मैंने देखा कि एक टाइम मुझे 42 रुपये महीने के ही देने लग चुका था, एक टाइम मैंने देखा कि मुझे तो बंद ही कर दिया था पैसा, मैंने कू को यूज़ करना बंद कर दिया। फिर देखा कि एक अपडेट आया और वापस पैसा मिलने लग चुका मुझे, और बढ़ के पैसा मिलने लग चुका। तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं आप कि यार कभी कभी भैया फ्री भी रहना सीखो, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस टाइप से जब आप फ्री यूज़ नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, पहला तरीका। दूसरा कि आप क्या कर सकते हैं, इनके जो प्रोफाइल वाला जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन पर जाकर यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगा देनी है अपनी अच्छे से, और दूसरा कि अपने ये कार्ड को, मतलब अकाउंट को सत्यापित कर लेना है आधार से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कू ऐप इंडियन ऐप है, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, सेफ है। तो यहाँ पर OTP के माध्यम से अपने जो आधार नंबर है वो वेरीफाई कर लीजिए, जिससे इनको एक ये ट्रस्ट बिल्ड है। जब ऑप्शन दिया है तो उसका कुछ तो है कि यार आप रियल में आप ही हो, तो ऐसे में जब आप स्वयं सत्यापित हो जाते हैं तो ये आपको एक टॉप कैटेगरी में डाल सकते हैं, और उससे आपको कंटिन्यू पैसा देने लग सकते हैं ज़्यादा समय तक, हो सकता है, नहीं तो कुछ समय बाद पैसा ही मिलना बंद हो जाए। कम से कम आप उससे तो बच जाएंगे, ज़्यादा पैसा नहीं मिला लेकिन कम तो नहीं जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, तो ये चीज़ कर लीजिए। ये कुछ लोगों को अटपटी सी लगेगी लेकिन इफ़ेक्टिव है, वर्क होता है। मैंने कई लोगों को बताया है और उनका कमेंट आया है मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर कि यार इफ़ेक्टिव है ये टेक्निक, तो ये ज़रूर कर लीजिए। और इसके अलावा मुझे 42 रुपये, इस मेरे पास लगभग 3-4 मोबाइल में कू चलाता हूँ, इसमें मुझे हफ्ते के 42 मिल सॉरी महीने के 42 मिल रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू इसको यूज़ करता हूँ, दूसरा मोबाइल में यूज़ ही नहीं करता, उसमें अभी भी मुझे 17 रुपये मिल रहा है। एक अकाउंट है, एक वाइफ का है मेरी, और उसमें 28 रुपये अभी हफ्ते के मिल रहा है, तो ऐसा है यार। तो इस टाइप से आपको ये टेक्निक अपनानी है दो एक, और इसके अलावा कोई सी आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी टेक्निक पता है जिससे आपको अभी भी 28 रुपये हफ्ते के मिल रहे हैं। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको कितना पैसा मिल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी न्यू अपडेट आया है तो ज़रूर अपडेट कर लीजिए कू के ऐप को, क्योंकि उससे हो सकता है कुछ नई चीज़ आपको मिल जाए। तो जो भी लेटेस्ट न्यू अपडेट आता है कू का, उसको ज़रूर अपडेट करिए, और चैनल पर बने रहिए, कू को भी यूज़ करते रहिए, इंडियन ऐप है। काफ़ी अच्छा मुझे प्राउड फील होता है कि यार विदेशी जितने भी, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन सब के कॉम्पिटिटर में कोई तो इंडियन खड़ा हुआ है, और ये हमारे के लिए गर्व की बात है। तो मैं तो अपने इंडिया को सपोर्ट करूँगा, और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो यार एक कहीं ना कहीं इमोशनली हो जाते हैं हम इंडियंस जब इंडिया की बारी आती है। तो कू भी हमारा एक इंडियन ऐप है, सोशल मीडिया ऐप, इसका सपोर्ट हमें करना है।
मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।